हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की वीडियो में आप देखेंगे औसत, मैथ में जो औसत के प्रश्न होते हैं उन्हें करने की शॉर्ट ट्रिक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देख लें और वीडियो लाइक ज़रूर करें। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि कुल प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, और कुल पूर्ण संख्याएँ, और सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, गुणज। फिर औसत के सवाल देखें तो सबसे पहले हमारा है कि कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं। आप चाहें तो नोट कर लें, वे सभी संख्याएं जिनके द्वारा हम वे सभी संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं का या अन्य किसी का अन्य किसी क्रम की गणना करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इससे शब्दों में वे सभी संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अर्थात कहने का आशय है कि ऐसी संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तु के क्रम का गणना करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अगर दूसरे शब्द में हम बोलें प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो एक से प्रारंभ होकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रम तक जाती हैं, यानी अनंत तक जाती हैं, कोई गिनती नहीं है, अनंत तक चली जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो हैं वो कुल प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब नंबर दो पे आ जाओ, कुल पूर्ण संख्याएं। तो इनकी परिभाषा है, आप नोट कर लें, यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर दिए जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या आपकी है, यदि हम जीरो से प्रारंभ करें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी अनंत, तो ये हमारी बन जाती हैं कुल पूर्ण संख्याएं। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, अर्थात जिनका शेषफल शून्य ना आए, सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इत्यादि। नेक्स्ट बिंदु हमारा विषम संख्या है। वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, या वो संख्याएं तो जो स्वयं से विभाजित होती हैं, तो वो संख्याएं जो है वो विषम संख्या कहलाती हैं। जो संख्या दो से विभाजित नहीं हो तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है गुणज। गुणज के लिए हम पहाड़ा बोलते हैं।
आपसे कहा जाए कि सिक्स का कॉलेज लिखिए, तो सिक्स का कॉलेज हम लिखेंगे तो सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी, ये कॉलेज कहलाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। अब चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल है कि प्रथम सौ प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए या योग ज्ञात कीजिए। प्रथम सौ, सौ से तात्पर्य हमारा यह सौ प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसकी ट्रिक ये है, यानी एक से प्रथम प्राकृतिक संख्या एक वन टू थ्री फोर फाइव चले जाएँ सौ तक। अब इनकी ट्रिक क्या है दोस्तों, हम क्या करेंगे, सौ में वन ऐड कर देंगे बटे टू, यानी एक सौ एक बटे टू, दो से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये औसत निकल जाएगा। ये इसकी ट्रिक है। प्राकृतिक संख्या में कहीं कोई सा भी क्वेश्चन करता है पचास तक सही, मतलब एक से पचास तक, तो पचास प्लस वन बटे टू, तो ये फिफ्टी वन बटे टू जो हो जाएगा आपका पॉइंट फाइव यानी आंसर। तो ये ट्रिक, ऐसे हम प्रथम सौ प्राकृतिक संख्या को ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रथम पचास पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम पचास पूर्ण संख्याओं का औसत। पूर्ण संख्याएं शून्य से स्टार्ट होती हैं, शून्य वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये फिफ्टी तक आ जाए। इसमें क्या करते हैं, इसकी ट्रिक है हल करने की। इसमें क्या करते हैं, लास्ट में जहाँ तक हम पहुँचते हैं वहाँ से एक माइनस कम कर देते हैं, मतलब फिफ्टी तक पहुँचाया तो ये माइनस वन कर देंगे और बड़े डोज डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर हम फोर्टी नाइन टू ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव इसका औसत निकलेगा। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में वन ऐड कर देते हैं और पूर्ण संख्याओं में वन घटा देते हैं और दो से डिवाइडेशन, ये इसकी ट्रिक। इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीन, प्रथम बीस सम संख्याओं का औसत, प्रथम बीस सम संख्याओं का औसत। ये सम संख्याएं जो है कहाँ तक जाएंगे, दो है फोर है सिक्स है एट है, मतलब आप लिखते चले जाएंगे तो बीस जो संख्या है वो फोर्टी तक आ जाएंगे। फोर्टी तक बीस सम संख्याएं इसके मध्य में आएंगे। इसकी ट्रिक है, क्या करेंगे, इस वाली संख्या दो ऐड करेंगे और दो से डिवाइड कर देंगे, फोर्टी टू बटे टू इसका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी वन। सम संख्या कहीं तक पूछा जाता है तीस तक, तो
60 तक जाएगा, उसमें दो हम ऐड कर देंगे और डिवाइडेशन दो आंसर निकाल देंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, साठ तक सम संख्याओं का योग। तो एक से हम लिखेंगे पहले, दो चार छः आठ दस, ऐसे लिखते चले जाएंगे तुमसे साठ तक। तो हमने ट्रिक अभी आपको बताई थी वो ये, 60 में टू ऐड किया, दो से डिवाइडेशन, 62 2, तो आंसर जो है वो आएगा 31। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का होगा। अब ये विषम संख्याओं का योग, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, इसका हम कैसे हल करेंगे? 50 विषम संख्या निकालने के लिए हमें एक से लेके 99 तक, क्योंकि 100 जो है वो सम है, तो हम 99 तक संख्या लिख लेंगे। इसके बीच में हम गिनती करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, तब फिर निकालेंगे। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? इसकी ट्रिक है, ये लास्ट वाली संख्या जहाँ तक पूछा गया है, उस संख्या को लेके उसमें जो है प्लस 1 कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ये मान लो 100 ले लेंगे, 100 तक पहुँचा है तो नहीं सॉरी 50 तक पहुँचा है, 100 तक आएगा तो हम 100 लेके डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 50 आ जाएगा। औसत जो है वो 50 आएगा। नेक्स्ट सवाल है, संख्या 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। संख्या 8 है, इसके प्रथम 9 गुणज का औसत कितना होगा? 9 गुणज वही पहाड़ा, यानी 8 16 24 32 8 पंद्रह 40 8 छः 48 8 सत्तर 56 64 72, ये है 9 गुणज। इसकी ट्रिक है दोस्तों, ऐसे इसको जोड़ोगे 16 24 जोड़ोगे, फिर 32 जोड़ोगे, 40 जोड़ोगे, अर्थात समय लगेगा। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक है लास्ट वाली संख्या प्लस पहली वाली संख्या, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर देते हैं, यह आएगा 80/2, यानी 40 इसका औसत आएगा। नेक्स्ट सवाल, 9 क्रमांक लगातार संख्याओं का औसत 42 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? औसत का तात्पर्य होता है संख्या ये 42 है, ये हमारे मध्य में है। औसत वाली संख्या आती है वो मध्य में आती है हमेशा, तो हमारे ये मध्य में है। इधर के लिए हम बढ़ेंगे तो 43 44 45 और 46, इधर बढ़ेंगे तो हम 41 40 39 और 30। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आई दोस्तों? 38, इसमें 38 सबसे छोटी संख्या होगी।
तो इस प्रकार से हमारा ये प्राकृत सम विषम और पूर्ण संख्याओं का वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।